नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दस्तीर और आप देख रहे हैं हिंदी डेव ट्यूट्स। दोस्तों, ये वीडियो हमारे CSS ट्यूटोरियल की दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। तो शुरू करते हैं CSS को सीखना। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। पहला है क्रिएटिंग ए प्रोजेक्ट, कि एक फोल्डर कैसे बनाया जाए और फोल्डर में उन HTML फाइल्स को जिन्हें हमें स्टाइल करना है कैसे अरेंज किया जाए। दूसरा है वर्किंग विथ एडिटर्स। पिछले एपिसोड में हमने कोड एडिटर्स को इंस्टॉल करना सिखाया था। इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे उन एडिटर्स को यूज़ करके हम CSS स्टाइलिंग कर सकते हैं या फिर CSS की कोड लिख सकते हैं। तीसरा है हम HTML डॉक्यूमेंट को CSS की मदद से स्टाइल कर दिखाएंगे। मतलब एक्चुअल में हम इस क्लास में HTML पर CSS कोड लिखकर एक स्टाइलिश डॉक्यूमेंट बनाएंगे, मतलब मैनिपुलेट करेंगे एक HTML डॉक्यूमेंट को। और चौथा है कि हम जानेंगे कि CSS में सेलेक्टर्स और प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़, इन तीनों का मतलब क्या होता है, ये तीनों क्या है, ये तीनों कैसे वर्क करती है। हम इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और सीखेंगे। दोस्तों, चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट। अगर आपको CSS HTML फाइल्स पर CSS कोड ऐड करना है या फिर CSS के साथ वर्क करना है तो आपको एक स्पेसिफिक फोल्डर बनाना पड़ेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन दूर होती है और सभी फाइल्स एक ही जगह अरेंज रहती है। इसको करने का तरीका आपको तो बहुत ईजी है। पहले एक फोल्डर बनाओ, मैंने यहाँ पर बना के रखा है CSS, ये बिल्कुल खाली है, और मेरे पास एक HTML डॉक्यूमेंट है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास पहले ही HTML डॉक्यूमेंट होना चाहिए या आपने HTML डॉक्यूमेंट को बनाए आपको बना के रखना चाहिए। मैंने यहाँ पर बना के रखा है index.html, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी डेव टूट्स, मतलब हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3, हेडिंग 6 तक है, और यहाँ पर हमारे पास दो पैराग्राफ है और हमारे पास दो लिस्ट्स है, मतलब दो टाइप के लिस्ट्स, एक ऑर्डर्ड और एक अनऑर्डर्ड। अगर आप HTML जानते हैं तो ये बेशक जानते होंगे लिस्ट के बारे में, पैराग्राफ के या फिर हेड वन के बारे में। ये बहुत बेसिक, मतलब बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो हम आज इनको स्टाइल करेंगे CSS की मदद से। तो पहला स्टेप होगा कि आप एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए और अपने HTML डॉक्यूमेंट को उस फोल्डर में डाल दीजिए। और इसके बाद ये पहला स्टेप हो गया दोस्तों। मैं दूसरे टॉपिक पर आऊँगा कि हम एक कोड एडिटर को यूज़ करके कैसे HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो हम पहले कोड एडिटर को ओपन करेंगे। पहले हम सबलाइम करेंगे, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को। ओके, तो हमारे पास आ गए ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, कुछ ऐसा दिखेगा। तो आपसे पहले चीज़ क्या करनी है, क्या है आपको, पहले यहाँ जाना है इस ऑप्शन पर। आप देख सकते हैं यहाँ प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ हमें HTML सेलेक्ट करना है, HTML या फिर CSS। मैं रेकमेंड करूँगा HTML, क्योंकि अगर आपने HTML सेलेक्ट कर लिया तो बहुत अच्छा होगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। तो ये तो बेसिक सेटअप हो गया, तो इसे क्लोज करेंगे। हमें स्टार्टिंग से अगर एक फाइल लिखनी है, अगर एक HTML डॉक्यूमेंट लिखना है तो हम सबलाइम में जाकर करेंगे, पर हमें उसको एडिट करना है, उसे स्टाइल करना है। तो हमारे पास एक, आप देख सकते हैं, एक index.html फाइल है, तो हम देख सकते हैं इसे। तो हम उसके ऊपर ओपन विथ जाएंगे, चूज अनदर ऐप या फिर सबलाइम टेक्स्ट खोलेंगे और हमारे इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप खींच कर यहाँ पर डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा HTML कोड है जो मैंने लिखा है, H1, H2, H3 सभी, और पैराग्राफ है, ये सभी है। अब हमें इनको स्टाइल करना है, आगे में जो कोड लिखते स्टाइल करना है। तो आगे आप मुझे फॉलो करते जाइए, मैं आपको बताऊंगा कि इनको स्टाइल कैसे करना है। दोस्तों, हमारे पास ये एक HTML डॉक्यूमेंट खुली है, जैसा कि आप देख सकते हैं, किधर है गए, हाँ यहाँ पर, और हमारे पास वो HTML डॉक्यूमेंट भी है। हम इसे भी ओपन कर देते हैं और यहाँ पर साइड में ले आते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा, बहुत ही ईजी ट्रिक है। अगर आपको यहाँ पर कोड एडिटर और यहाँ पर अपना वेब पेज दिखाना है, मतलब स्प्लिट करना है, तो स्क्रीन को कुछ नहीं, यहाँ पर इस टाइटल बार को क्लिक कीजिए और यहाँ तक लेकर आइए और छोड़ दीजिए, और दूसरा ही सेम आजू बाजू आ गया। तो अब हम मेन काम करेंगे कि मतलब CSS कोड को लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि CSS कोड में तीन टाइप्स होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। आज हम सीखेंगे इंटरनल के बारे में। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं इनलाइन के बारे में नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वो यूज़फुल नहीं है, आज कोई भी यूज़ नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए बनाई गई थी। तो हम पहले करते हैं, तो हम पहले CSS कोड को लिखने के लिए पहले जाएंगे हेड एलिमेंट में। आप जानते हैं ना, HTML में दो मेन एलिमेंट आते हैं, हेड और बॉडी। तो हेड एलिमेंट में हम जाएंगे दोनों, स्टार्टिंग टैग
और एंडिंग टैग के बीच में हम जाकर और एक नया टैग लिखेंगे, उसका नाम होगा स्टाइल। तो आपको ऐसा एक टैग बनाना है, मतलब स्टाइल और स्पेस देकर उसे एक एट्रीब्यूट देना है। अगर आपने HTML सीखी होगी तो ही आपको पता होगा कि एट्रीब्यूट क्या है और उसके वैल्यू क्या है, और मैं अस्यूम करके जा रहा हूँ कि आपको ये पता है। और उसे एक एट्रीब्यूट देना होगा टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS, और आपको टैग ख़त्म कर देना है, कि जैसे कि हर एक HTML एलिमेंट को आप ख़त्म करते हैं। तो इनके बीच में आप जादू होगा, मतलब इनके बीच में आप कोड लिखेंगे, इनके बीच में जो भी जादू होता है ना स्क्रीन पर, स्टाइलिंग या फिर होगा। तो मैं जैसे जैसे अब मैं कोड लिखूंगा, आप उसको फॉलो करते जाइए, और मैं बाद में उस कोड को लिखने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए। मैं कोड लिखूंगा सेम टू सेम कोड, आप अपने वर्किंग अपने एडिटर में लिखते जाइए। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर CSS कोड लिख दिया है। आपको क्या करना है कि पॉज करके इस कोड को लाइन बाय लाइन अपने टेक्स्ट एडिटर में या फिर अपने वर्किंग फाइल में कॉपी कर लेना है, और मैं आपको लाइन बाय लाइन इसका मतलब समझाऊंगा। अगर आपने कोड से जैसे मैंने अभी लिखा था ना, मैंने लिख दिया पर इसे सेव नहीं किया, तो मैं सेव करूँगा फाइल सेव, मतलब कि मैंने यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है ना इसे मैनिपुलेट करके इसमें CSS कोड को डाल के इसे सेव कर दिया। अब हमें इसे ओपन करना होगा या फिर इसे रीलोड करना होगा। यहाँ पर मैंने पहले ही ओपन करके रखा है, तो मैं सिर्फ इसे रीलोड करूँगा। रीलोड का मतलब रीलोड दिस पेज। आप देख सकते हैं क्या क्या चेंज हो गया है। ये क्या है दोस्तों, ये कोई जादू टोना नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये है CSS का कमाल। CSS की मदद से आप देखिए बैकग्राउंड का, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, और टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं लाइन बाय लाइन आपको बताते जाऊँगा CSS के बेसिक कोर स्ट्रक्चर्स को। तो दोस्तों, CSS में पहले आता है सेलेक्टर्स। यहाँ पर आप सब कोड को भूल जाइए, सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक कोड है ना, इसी पर ध्यान दीजिए। तो मैं इस कोड को आपको समझाना चाहूँगा कि आप पहले देख सकते हैं, पहले लाइन में मैंने लिखा है H1। आप कहेंगे कि H1 तो HTML का टैग है, यहाँ पर कैसे आ गया। दोस्तों, टैग है पर हमें HTML, अगर समझिए एक एग्जांपल, यहाँ पर ये जो टैग है ना हिंदी डेव ट्यूटोरियल्स, तो हमें पता है कि एक H1 एलिमेंट में है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं H1 एलिमेंट के अंदर हमारा ये एक टेक्स्ट है सिंपल। तो हमें इस टेक्स्ट को रेड बनाना है, तो हमें इसे सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, CSS में उस टैग, उस एलिमेंट का या फिर टैग का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका नाम क्या है, H1। तो हम यहाँ पर H1 लिख देंगे। अगर हमें पैराग्राफ को स्टाइल करना है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर पैराग्राफ ने हमने दो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, जाएंगे और यहाँ पी करके लिख देंगे। और OL, यहाँ हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई थी दो, और हम दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं, उस एलिमेंट का या फिर टैग का नाम लिखना है, मतलब ऐसे दो ब्रैकेट्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप उसका PH1 इतना ही लिख सकते हैं। और इसके लिखने के बाद मेन आता है अब नेस्टिंग। आप ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक करली ब्रैकेट्स कहते हैं इनको, यही सारा जादू होता है। अगर मैं H1 के ऊपर जो भी करूँगा ना, अगर मैं H1 को सेलेक्ट करूँगा, और इसे तो सेलेक्टर कहते हैं, इसे नेस्टिंग कहते हैं, मतलब इसके अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो सिर्फ H1 को लागू होगा और बाकी किसी को नहीं होगा। यहाँ पर हमने लिखा है H1 को लागू, किसी और को लागू नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लू। इस लाइन का मतलब क्या है दोस्तों, ये लाइन आप देख सकते हैं दो भाग में है। पहला भाग है बैकग्राउंड कलर, उसके आगे एक कोलन है, आप यहाँ देख सकते हैं। सॉरी, अगर आपने वीडियो क्वालिटी अच्छी 360 या फिर 480p में रखी हो तो ही दिखेगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ओके, तो आप देख सकते हैं
तो ये लाइन दो भाग में बटी हुई है, पहला है बैकग्राउंड कलर, दूसरा है ब्लू। अब बैकग्राउंड कलर के बाद एक कोलन आता है और इसके बाद सेमी कोलन आता है, तो इस भाग को हम कहेंगे प्रॉपर्टी, मतलब उसका एक गुण, मतलब उसका एक क्या कह सकते हैं, उसकी एक क्वालिटी। मतलब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होती है इसकी बैकग्राउंड, आपने पहले ये लोड करते वक्त देखा होगा कि उसकी क्वालिटी तो उसकी बैकग्राउंड कलर तो सिर्फ वाइट थी। अगर हमें उसे चेंज करना है तो पहले हमें उसे CSS में सेलेक्ट करना होगा, तो हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, H1 की मदद से, और नेस्टिंग, दो नेस्टिंग देंगे, मतलब करली ब्रैकेट्स ओपन करली ब्रैकेट्स क्लोज, इसके अंदर हम जो कोड लिखेंगे ये है CSS प्रॉपर्टीज। तो ऐसे ही एक लाइन बाय लाइन सिंगल सिंगल प्रॉपर्टीज को डाल के हम हर एक एस्पेक्ट को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने बैकग्राउंड कलर बताया और कलर बताया, कलर का मतलब फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर हमने यहाँ रेड लिख दिया तो रेड हो गया, तो बैकग्राउंड कलर उसकी प्रॉपर्टी है। और ये आगे वाला है ना, इसे कहते हैं हम वैल्यू। हमने तो कह दिया हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, हम कंप्यूटर को कह रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर चेंज करो भाई, तो हम लिखेंगे CSS में जाकर क्या करके बैकग्राउंड कलर करके, तो कंप्यूटर क्या बोलेगा, चेंज करना है, किस पर चेंज करना है, तो उसके बाद हमें उसे एक वैल्यू देनी होगी, मतलब उसे एक जवाब देना होगा। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, हमने ये बता दिया, किस में चेंज करना है, हमें तो ब्लू में करना है, तो हम ब्लू लिखेंगे और इस स्टेटमेंट को एंड कर देंगे। आप ये इस पूरे एक एक लाइन को हम एक स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, सो इस स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं ये आधा प्रॉपर्टी है और ये आधा वैल्यू है, हम बोल रहे हैं कि कलर चेंज करो और किस में चेंज करना है। दूसरे लाइन पर जाते हैं, हमने यहाँ कहा था कि कलर को चेंज करो, कलर का मतलब हम HTML में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, टेक्स्ट जो एलिमेंट है ना एम्फोसिस दिया गया है, मतलब टेक्स्ट सॉरी माफ़ी चाहूँगा, टेक्स्ट को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट समझते हैं HTML में, तो टेक्स्ट कलर लिखे या कलर लिखे दोनों सेम ही है। तो हमने कलर करके लिखा, कलर करके लिखने के बाद हम कह रहे हैं कि कंप्यूटर को कलर चेंज करो भाई हमारे इस फॉन्ट का, सॉरी इस टेक्स्ट का, तो कंप्यूटर कहता है कौन सा, तो हम आगे लिखते हैं तो हम लिखते हैं रेड। तो हम जो कहते हैं ना पहला वाला स्टेटमेंट प्रॉपर्टी, वो लिखने के बाद हम कोलन लिखेंगे इस सिंबल को और उसके बाद उसकी वैल्यू लिखेंगे और नेक्स्ट सेम, हमें कलर चेंज करना है तो हम कलर का उसके बाद एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे, मतलब प्रॉपर्टी लिखेंगे, कलर हमें चेंज करना है और उसे एक वैल्यू देंगे रेड। ओके, सो हमने H1 में ये सब किया और H1 में ब्लू बैकग्राउंड आ गया और रेड टेक्स्ट आ गया और हमने H4 को कुछ टच ही नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैसे है। और हमारे पास दो पैराग्राफ है, यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला पैराग्राफ और ये दूसरा पैराग्राफ, तो हमने दूसरे पैराग्राफ को क्या स्टाइल दिया है, आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाले फॉन्ट्स मतलब चेंज है, इनका स्टाइल चेंज है, पर PBD बाय डिफ़ॉल्ट पहले जब हमने ओपन की थी ना तो भी ऐसे ही था, तो हमने उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर दी, मतलब उसके फॉन्ट चेंज कर दिया। उसके फॉन्ट चेंज करने के लिए तो हमें पहले तो P सेलेक्ट करना पड़ेगा, कि कंप्यूटर को बोलेंगे कि हमें P का फॉन्ट चेंज करना है भाई, तो हम सेलेक्ट करेंगे P, सेलेक्टर P, उसके बाद नेस्टिंग डालेंगे और उसके बाद अपना एक स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या, पहले प्रॉपर्टी फिर वैल्यू। प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे होते हैं, मैं बोल रहा हूँ CSS में प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे हो सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इंटरनेट पर जाकर CSS प्रॉपर्टीज मारता हूँ तो बहुत सारे मिलेंगे आपको प्रॉपर्टीज। सो आपका काम यह है कि एक्सपीरियंस के साथ आपको मालूम पड़ता जाएगा कि ये प्रॉपर्टी क्या करती है या फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या करती है। मतलब बेसिक रूल तो ये है, पहले सेलेक्टर यहाँ देखिए, दूसरा है नेस्टिंग, तीसरा है एक स्टेटमेंट लिखना और उस स्टेटमेंट को दो भाग में करना, एक प्रॉपर्टी उसके बाद एक कोलन लिखना और वैल्यू उसके बाद एक सेमी कोलन लिखना। अगर आप सेमी कोलन नहीं लिखेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, वो कोड रन ही नहीं होगा। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं, आप कैसे कितनी भी बड़ी वेबसाइट बना लें इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, बहुत ही बेसिक है। आप तो समझ चुके हैं कि HTML में CSS का स्ट्रक्चर कैसे होता है। पहला है सेलेक्टर, कि हम किस एलिमेंट को स्टाइल करना चाहते हैं, दूसरा है उसकी प्रॉपर्टी नेस्टिंग और तीसरा है उसकी प्रॉपर्टी, हम उसका क्या प्रॉपर्टी मतलब क्या चेंज करना चाहते हैं, हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड, और हम उसको वैल्यू देंगे। बैकग्राउंड कलर किस में चेंज करना है, ब्लू में,
आप कुछ भी दे सकते हैं, मतलब कोई भी रेड ग्रीन पिंक, अगर आपको स्पेसिफिक होना है तो मैं स्पेसिफिक कलर को नेक्स्ट एपिसोड्स में बताते जाऊंगा कि स्पेसिफिक कलर्स को कैसे दिया जाता है बैकग्राउंड को या फिर टेक्स्ट को। तो ये हो गया, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गई होगी। सेलेक्टर्स इसे कहते हैं, सेलेक्टर्स इसे कहते हैं प्रॉपर्टी, और इसे कहते हैं वैल्यू। बहुत ईजी है। तो हमने पी को क्या किया, फॉन्ट फैमिली लिखा। हमें फॉन्ट चेंज करना है, इसका फॉन्ट चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे, फॉन्ट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉन्ट फैमिली। और फॉन्ट फैमिली से आपको आप बस आपको सर्च करना है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि आपके आपको सी एस एस के प्रॉपर्टीज़ और उसके वैल्यूज़ पता चल जाएंगे। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ आ गई, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कौन से भी एलिमेंट को लेकर उसे कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। मैंने यहाँ फॉन्ट फैमिली दी है, तो हम फॉन्ट फैमिलीज कितने हैं यहाँ पर, तो बहुत है, मोनोस्पेस, कर्सिव और सैंस सेरिफ। कर्सिव चेंज करते हैं, देखते हैं अगर कर्सिव आता है कि नहीं, कंट्रोल वी। ओ कर्सिव भी आ गया। तो ऐसे हम देखिए, मैंने अभी इंटरनेट का यूज़ करके कैसे सी एस एस की वैल्यू बदल दी, मतलब आपको जैसे एक्सपीरियंस, आप जैसे लिखते जाएंगे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा, इसकी कोई चिंता नहीं। और हमने कलर लिखा ब्लू, कलर मतलब इस टेक्स्ट का कलर, कलर है एक प्रॉपर्टी, और हमें किसे इस प्रॉपर्टी को किस में चेंज करना है, ब्लू में, तो हम लिखेंगे ब्लू। और मैं थर्ड में दिखाना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर हमारे पास दो लिस्ट्स है, पहला वाला लिस्ट और दूसरा वाला लिस्ट। पहला वाला लिस्ट ऑर्डर्ड है, दूसरा वाला अनऑर्डर्ड है। तो हम क्या करेंगे, हमें ऑर्डर्ड लिस्ट को, अगर हमें यहाँ ऑर्डर लिस्ट को स्टाइल करना है कि उसका फॉन्ट ग्रीन होना चाहिए, यहाँ दिख रहा है ना, टेक्स्ट ग्रीन है और बैकग्राउंड पिंक होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे सी एस एस स्टाइल, ये जो है ना ये भी मेन इंपॉर्टेंट है, स्टाइल टैग के बीच में लिखना है हमें। ओके, तो हम पहले अगर हमें ऑर्डर लिस्ट को ये करना है तो हम लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट ओएल और करली ब्रैकेट्स, और उसके बाद हमारी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ को लिखेंगे। हमें कलर चेंज करना है, मतलब हमने लिखा कलर और दे दिया वैल्यू ग्रीन, तो हो गया ग्रीन, यहाँ देख सकते हैं आप ग्रीन। और हमें करना था बैकग्राउंड को चेंज करना था, वो एक प्रॉपर्टी हो गई, और उसके वैल्यू देनी थी पिंक, हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया और पिंक कर दिया। और हमें यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना ये नीचे यहाँ पर कोड में, तो इसे भी हमें चेंज करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसे सेलेक्ट करेंगे सेलेक्टर की मदद से यूएल, और यहाँ पर लिखेंगे हमें उसका कलर येलो में चेंज करना है, तो हम कलर लिखेंगे येलो लिखेंगे। ऐसे ही बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, आप इंटरनेट पर देखेंगे या फिर मैं जैसे जैसे आगे ट्यूटोरियल्स बढ़ाते जाऊँगा आप सभी प्रॉपर्टीज़ में प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। और हम यहाँ आखिर में करेंगे यूएल को अनऑर्डर्ड लिस्ट को स्टाइल, हमें करना है कलर, तो दे दिया प्रॉपर्टी, उसे दे दिया एक वैल्यू, हो गया। और नेक्स्ट बैकग्राउंड, हमें बैकग्राउंड चेंज करना है अनऑर्डर्ड लिस्ट का, और हमने दे दिया रेड। तो आप दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम सी एस एस को यूज़ करके एक HTML डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, मतलब HTML डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। दोस्तों ये पहले ये HTML डॉक्यूमेंट ऐसी थी, कितनी सादी, और CSS को डालने के बाद ऐसी हो गई। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा बेसिक्स के बारे में, और आगे बढ़ते बढ़ते आप और सीखेंगे, जैसे कि आप ट्यूटोरियल्स देखते जाएंगे आप सेलेक्टर्स के बारे में या फिर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत सीख जाएंगे। ये एक बेसिक वीडियो थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएंगे, बहुत ईजी है। हमने किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया है कि सेलेक्टर्स प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़, बहुत ईजी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे चलकर हम आगे के वीडियोस में आगे के ट्यूटोरियल्स में CSS के बारे में इन डेप्थ में पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, और हम एक्सटर्नल CSS के साथ भी वर्क करेंगे आगे के ट्यूटोरियल्स में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस पाने के लिए, और प्लीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या फिर आपको कोई कंफ्यूजन हो या फिर आपको कोई सुझाव देना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे छोड़ दीजिए। और आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।